तो कैसे हो गेमर्स, मंथली गेमिंग अपडेट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले महीने में मंथली गेमिंग अपडेट की वीडियो नहीं ला पाया था, वजह थी ड्यूटी पे बिजी रहना, लेकिन अब से ये सीरीज चलती रहेगी एंड ये मंथली गेमिंग अपडेट का तीसरा पार्ट होने वाला है। तो आपका ज्यादा समय न खाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत उस गेम से करते हैं जिसे मोबाइल पर सबसे ज्यादा खेला जाता है और इसके विरोधी हैं फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड एपेक्स लेजेंड मोबाइल। ये चारों ही मोबाइल पर सबसे ज्यादा खेले जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं BGMI की। तो पिछले महीने 28 तारीख को यह गेम प्ले स्टोर से गायब हो गया एंड वैसे कुछ लोगों के फोन में ये गेम वर्क कर रहा था, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उनके फोन में भी BGMI चलना बंद हो गया एंड मुझे भी बाद में पता लगा कि BGMI बैन हो चुका है, वरना तब तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये कोई सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपका मनपसंद बैटल रॉयल गेम कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। तो बात करें IGI Origins की, तो इस महीने Intel Metal Games ने अपडेट दी है कि IGI Origins की फर्स्ट फुटेज सितंबर में दिखाई जाएगी एंड साथ में यह भी बताया है कि हम डेविड जोन्स के कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे कई पुराने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। Unreal Engine 5 का पहला मोबाइल गेम प्रोजेक्ट ईवो का ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। ट्रेलर में हम साफ देख सकते हैं कि गेम में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स दिखाया गया है एंड गेम में हम कई प्रकार के वेपन का यूज करेंगे एंड मैं इस गेम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह पहला ऐसा गेम मोबाइल पर होगा जो Unreal Engine 5 पर बन रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए, आप हैं या नहीं? एंड अब एक इंडियन गेम की बात करें यानी मुंबई गलीज की, तो निखिल मालंकर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि एपिक गेम की तरफ से मुंबई गलीज को $25,000 मिले हैं, जिसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बैठते हैं 19,89,546 रुपए। निखिल मालंकर के हिसाब से इसका बीटा वर्जन दिसंबर के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पिछले महीने हमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की रिलीज डेट पता लगी एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस गेम के लिए एंड इस महीने में इसकी स्टोरी रिकैप देखने को मिली, वो भी डिफरेंट वे में एंड अगर हम उस वीडियो पर ध्यान दें तो हमें कई सारे ईस्टर एग देखने को मिल जाएंगे एंड अभी तो मेरे हिसाब से एक का ट्रेलर और देखने को मिलेगा एंड वैसे भी गेम रिलीज होने में अभी 2 महीने हैं एंड अभी तो कई अपडेट मिलना बाकी हैं। एंड साथ ही सेंटा मोनिका स्टूडियो की तरफ से यह भी अपडेट आई है कि उनकी कम्युनिटी टीम एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि ना तो ये गेम प्ले होगा और ना ही ट्रेलर, क्या हो सकता है। एंड साथ में यह भी बताया है कि मिमिर ने इसका हिंट पहले ही दे रखा है। रेजिडेंट एविल एक ऐसा गेम है जिसने अपने क्रीपी क्रीचर एंड ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से सभी को डरा कर रखा है, लेकिन हाल ही में पता लगा है कि रेजिडेंट एविल 7 बायोज़ार्ड एक ऑनलाइन गेम होने वाला था एंड इसमें एक मल्टीप्लेयर मोड होने वाला था जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ गेम प्ले कर सकते थे एंड यह न्यूज खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जून टाकेउची ने दी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह ऑफलाइन ही रहना चाहिए एंड इसके अलावा भी कुछ कारणों की वजह से रेजिडेंट एविल 7 ऑनलाइन गेम नहीं बन पाया। एंड अब बात करें असैसिन क्रीड की, तो असैसिन क्रीड के अब तक कई गेम आ चुके हैं एंड इसका लास्ट गेम 2020 को आया था जिसका नाम था असैसिन क्रीड वैलहेला, लेकिन न्यूज यह निकल कर आ रही है कि असैसिन क्रीड का अगला गेम एक रीमेक होने वाला है एंड ये खुद IGN ने बताया है एंड हमें कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट भी मिल सकती है, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है। एंड असैसिन क्रीड का रीमेक अनाउंस होता है तो इसको मिला के कई गेम हो जाएंगे जो रीमेक आने वाले हैं, जैसे लास्ट ऑफ अस 2 रीमेक, रेजिडेंट एविल 4 रीमेक, प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंस ऑफ टाइम रीमेक एंड मैक्स पेन रीमेक एंड और भी कई सारे गेम हैं जिनके रीमेक बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर जल्दी ही मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। Ubisoft का नेक्स्ट इवेंट 10 सितंबर को होने वाला है एंड इस महीने यह न्यूज निकल के आई है कि हमें Ubisoft इवेंट में प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंस ऑफ टाइम रीमेक की अपडेट देखने को मिल सकती है एंड हम सभी जानते हैं कि जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था तो इसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था एंड जिसकी वजह से प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंस ऑफ टाइम रीमेक कई बार डिले हुआ एंड लीक के हिसाब से हमें कोई नई अपडेट Ubisoft इवेंट में देखने को मिल सकती है, पर मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि लीक ज्यादातर गलत साबित होती है। तो दोस्तों यह थी कुछ गेमिंग न्यूज जो हमें इस महीने देखने को मिली एंड वैसे इसके अलावा भी कई सारी ऐसी न्यूज है जो इस महीने हमें मिली, लेकिन मैं इस वीडियो में उनको कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो छोटी मोटी न्यूज है एंड जो बड़ी बड़ी न्यूज थी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गेमर्स।